अभी एक आदमी टाइटेनिक को घूमने गए थे, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अब पूरा फैमिली के साथ गया था, अरबपति था वो। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो समझिए ध्यान से, इसी साउथहैम्पटन बंदरगाह से 10 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक जहाज निकली थी। टाइटेनिक जहाज निकली थी, ऐसा सुनी 14 अप्रैल को जाके डूब गई। 14 अप्रैल को जाके डूब गए। बताइए एक नए नए जाके डूब गए यहाँ पे जहाज, इसका नाम रखा गया था अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता है। पहले यात्रा में डूब गया यहाँ पर, रीजन था उसका, समझिए ध्यान से। ये साउथ एंटम से निकला, एकदम फर्स्ट क्लास निकल गया था। जब यहां पहुंचा तो ये है आपका बफिन की खाड़ी, यहां से निकली थी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये एरिया को बर्फ बना देती है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ रहते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ। इसे यहां के कैप्टन थे टाइटेनिक के विलियम मडोग, इन्हें वार्निंग दिया गया था कि बर्फ बहुत ज्यादा है, संभल के चलिएगा। तो जिसने वार्निंग दिया था ना, उनसे इनका स्टूडेंट लाइन में थोड़ा सा नहीं होता है ईगो का, अनसिंकेबल धाएं दे लेके चल दिए। मौसम धुंधला था उस समय, रडार नहीं हुआ करते थे, रडार ना होने के वजह से विजुअल अप्रोच करना पड़ता था, दूरबीन से देखना पड़ता था कहीं बर्फ तो नहीं है। अचानक से इन लोग को धुंधला धुंधला दिखा, देखा ध्यान से कि बाप रे बाप बर्फ है, बर्फ। बर्फ की खासियत है जितना दिखता है उससे 9 गुना नीचे होता है। बर्फ का दिखने वाला भाग 1/10, अंदर रहता है 9/10, यानी 10 भाग में 1 भाग दिखता है और 10 भाग में 9 भाग अंदर है। अब इनको ससुरा 3 मंजिला इतना बर्फ का चट्टान दिखा, तो 27 मंजिला नीचे होगा। और इस ससुरा तूने अभी वार्निंग दे रहा है कि टर्न मारो, टर्न टर्न मारो, टर्न मारते 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 कितना इतना बड़ा आते, इतना स्पीड में था कि टर्न मारा। और जब वार्निंग दिया तो कुछ देर बाद वहां सुना सब इंजन के पास शांति से घूम रहा था, अनसिंकेबल है हम यहाँ पे, जाके लड़ा और पेंदिये फाड़ दिया उसका, पेंदी फाड़ दिया उसका। टाइटेनिक में हो गया सुराख। टाइटेनिक जहाज इतना जल्दी नहीं डूबेगी, कोई पानी वाली जहाज डूबने में कम से कम 7-8 घंटा लगाती है। एक वो कटोरा तो नहीं डूबा के देखिए ना, टब में भागेगा इधर उधर, एक पानी बोतल, एक 5 लीटर का गैलन खोल दीजिएगा, उसको डुबाइएगा, देखिए जल्दी नहीं डूबेगा, एक आध मिनट डूबी ले लेगा। दिक्कत क्या हुआ, तो डूबने लगा ये, कैप्टन को लग गया विलियम मडोग को कि तो गया अनसिंकेबल गलो। अनसिंकेबल गया, उसने कहा कि इवेक्युएट, खाली कराया जा, क्या किया जाए खाली। तो जितने बिजनेस क्लास वाले थे अमीर लोग जिनका किराया लाख लाख रुपया था, उनको पहले लाइफ बोट में भरा गया, जिस लाइफ बोट की क्षमता 20 आदमी की थी उसमें 2 आदमी को भेजा गया, 3 आदमी, अमीरों को दिक्कत न हो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहिए। और हम हिंदुस्तान वाले कहे डूबते हैं, एक दुकान खोलेगा कहेगा कि अच्छा खर्चा है 30,000-50,000 तो आइए जाएगा, अरे तुम अच्छे कंडीशन के लिए रेडी हो, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। 30,000 का खर्चा अगर 10,000 भी नहीं आया और ऐसा 6 महीना अटक गया, लॉकडाउन लग गया, व्हाट विल यू डू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, हमेशा रेडी रहेगा। इसको लगा कि हम तो आराम आराम से निकालिए देंगे, तब तक टाइटेनिक बीचों में से टूट गया। अब तो डूबने की रफ्तार बढ़ गई, अब हो गया अफरा तफरी, अब बोट हो गई कम। शुरुआत में जिसकी बोट की कैपेसिटी थी 20 आदमी की, उसमें भेजा 5 आदमी 2 आदमी, बाद में 20 आदमी वाले पे उतार दिया 50 आदमी, वो डूब गया। अब इतना तेजी से टाइटेनिक डूबने लगा कि लोग लाइफ जैकेट पहन के कूद गए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। बर्फ था, -2 डिग्री टेम्परेचर था, टेम्परेचर का ठंडी से मर गया सब। ऐसे पानी में कूद जाते लाइफ जैकेट पहन के तो कोई दिक्कत नहीं था, बड़ी मछलियां ऊपर नहीं आती हैं, बड़ी मछली नीचे अपना तामझाम करते रहते, वो बड़ी मछली ऊपर का है आने वाली है, ऊपर ज्यादा कूदती है, डॉल्फिन वेल मछली, तो वेल मछली हम लोग को खाइए नहीं पाएगी, उसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता, घोटने वाला मुंह छोटा होता है, ऐसे मुंह बड़ा होता है, जैसे इतना लोग है लोग ना इस लाइन के एक बार में खा जाएगी, लेकिन घोट नहीं पाएगी, इतना बड़का मुंह खोलती है घोट। अब हम ही लोग हैं, इतना मुंह में भर लेते हैं, क्या हराक दे घोट पड़ते हैं, भरने का तो भर लिया नहीं देखते, कभी पानी पूरी वाला 3 को घुसा देता मुंह में,
आदमी घूम जाता है, गुच्छा आराम से गिरा ना दूंगा, नहीं समझ रहे। तो आधा आदमी ठंडा मार दिया, तो कुछ ही आदमी को बचाया जा सका, जबकि सबको बचाया जा सकता था। डूब गया अनसिंग केबल। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो रॉकेट फ्लेयर छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, मतलब वो सिग्नल है, रात में सिग्नल है, दिन में तो हॉर्न मारता है, रात में सिग्नल। बगल से एक ब्राजील का जहाज गुजर रहा था, लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पे था, गुजर रहा, उसको लगा कि लोग पार्टी मना रहे हैं, रॉकेट छोड़ के पार्टी मना रहे हैं, छोड़ के चल दिया वहां। टाइटेनिक की कहानी खत्म। अभी एक आदमी टाइटेनिक को घूमने गए थे कि देखे कहां डूबल है, उनका भी पता नहीं चल रहा। अब पूरा फैमिली के साथ गया था, अरब पति था वो, छोट मोट का तो छोट मोट आदमी घूमने के नाम पे ननिहाल चल जाता है, नहीं समझ रहा और कौन चीज आएगा वहां। अरब पति तो गए थे टाइटेनिक देखे, जा टाइटेनिक देखने, बहुत खतरनाक है यहाँ पे टाइटेनिक जहाज, एक से एक रहा था, कई जहाज गई, इसी में कोस्टा कॉनकॉर्डिया एक जहाज था जो यहाँ पे था इंग्लैंड के पास, वो भी डूब गया, कोस्टा कॉनकॉर्डिया। कोस्टा कॉनकॉर्डिया बहुत बड़ा जहाज था, टाइटेनिक से भी बड़ा। अब उसमें जो डांसर थी ना, डांसर नचनिया, तो जो उसमें डांस कर रही थी, कैप्टन को पसंद आ गई। बस कैप्टन क्या किया ना, उस रास्ते में मोड़ लिया जहां पे गहराई कम थी, आई करी कि इधर चलिए ना, यहां तो अच्छा पहाड़ दिख रहा है, कितना बीच समुद्रों में कुछ दिखबे नहीं करता है, और उब जाइएगा हवाई जहाज में हाइट पे जाने के बाद उब जाए, कुछ नहीं दिख रहा है, इधर भी नीला, उधर उधर नीचे कुछ दिखबे नहीं करेगा, बादल आ चुका रहेगा, उब जाएंगे, अरे यार क्या लेके चलाया, अब उतार दो। शुरुआत में ठीक लगता है कि दिखता है, अरे घर स्टेडियम, अरे बाप रे बाप, कटोरा कौन चीज है, ये तो फुटबॉल का मैदान है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, अब यही से समझ जाता है, ज्यादा उड़ जाएगा कुछ दिखबे नहीं करेगा। अब पानी वाली जहाज में भी किनारे रहिएगा, दिखेगा अरे मुंबई शहर वो कौन सा है, अरे मुंबई वो पूना दिख रहा है क्या, ऐसे अब बीचों में घुस जाएंगे तो कुछ नहीं, ऊपर आसमान नीचे पानी, चारों ओर वही, कुछ पते नहीं चले। तो उस नचनिया के थोड़ा मोड़ लो मोड़ लो मोड़ लो, तो साइड में ले गया, साइड में गहराई कम होता, ले आके पेदिया लड़ा दिया, अब पेदिया फट गया, जहाज हो गई, पलट गई, सारे लोग, इतना करोड़ों का लॉस हुआ जिसका कोई हद नहीं। कप्तान को हो गया जेल, कप्तान को क्या हो गया, इसलिए इससे क्या सीखे आप,